अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कल लोकसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि जनता के बीच राहुल गांधी जी की छवि धूमिल हो, जबकि उस बयान की मूल सच्चाई यही है कि देश में नफरत और हिंसा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल हिंदू नहीं है, आरएसएस ही केवल हिंदू नहीं है, भाजपा और उनके नेता अब तक लोगों को गुमराह करने की कोशिश में हिंदू धर्म पर अपने पूर्ण एकाधिकार का दावा करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पुराने और सबसे सहिष्णु हिंदू धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो ऐसा धर्म है जिसने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई है। हिंदू धर्म नफरत और हिंसा नहीं सिखाता, जबकि भाजपा हिंदू धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाकर सत्ता में आने का प्रयास करती है। हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देकर भाजपा इस महान धर्म को बदनाम कर रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि राहुल जी ने इन्हीं सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई है। विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब राहुल जी ने लोकसभा में हमारे आराध्य भगवान शंकर जी की तस्वीर दिखाई, तभी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत भाजपा के अन्य मंत्री एवं सदस्यों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भाजपा और उनके नेताओं ने यह मान लिया था कि हिंदू धर्म पर उनका एकाधिकार है, अब उन्हें खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि राहुल जी ने उनके झूठ और दोहरे चरित्र को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। भाजपा नेता हमेशा राहुल जी पर ऐसी बातों का आरोप लगाते हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। उनकी छवि बिगाड़ने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर काट छांट कर पेश किया जाता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में करोड़ों रुपया खर्च करती है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के प्रति जवाबदेह नहीं है और न ही उसे भाजपा से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन सच्चाई सामने रखने के लिए यह बताना जरूरी है कि राहुल जी ने कल संसद में जो कहा था वह यह था कि भाजपा और आरएसएस वाले खुद के हिंदू होने का दावा करते हैं और फिर भी नफरत व हिंसा फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के द्वारा कही गई बातों का पूरा समर्थन करती है कि भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदू होने का दावा तो करते हैं लेकिन नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जो कि हिंदू धर्म के साथ अन्य धर्म के भी मूल सिद्धांत के खिलाफ है। लगा हुआ चश्मा निकाल कर देखने का काम किया है, शंकर भगवान की फोटो लेकर, गुरु नानक जी की फोटो लेकर, जो कुछ चुनिंदा लोग अपने आप को हिंदू परिभाषित करते हैं। ये देश में रहने वाले 100 करोड़ से ज्यादा जो देश की जनसंख्या है, ये सब हिंदू है। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक रूप से देखने के लिए अब हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का दुरुपयोग करती है। राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट करके दिखाया कि हमारी देवी, हमारे देवी देवता, हमारे साधु संत, तमाम लोग क्या प्रतीत करते हैं, क्या परिभाषित करते हैं, सिर्फ सबकी मदद करना, सरलता से सबके साथ रहना, सबको सहयोग करना और सद्भाव रखना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहिंसक है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म, हिंदू संगठन के नाम से राजनीतिक रूप से देखती है, चुनाव में इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करती है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, नीट की परीक्षा पर राहुल गांधी जी ने बात की थी, उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का चश्मा से निकाल कर रख दिया। स्वयं कल देश के प्रधानमंत्री सदन में थे, उन्होंने पूरे देश के विषय में कहा। राहुल गांधी जी ने तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में बोला था कि हिंदू धर्म को परिभाषित भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं करते।